गुड इवनिंग, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। एक बार ऑडियो वीडियो है वो चेक करवा दीजिए, तो हम क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यूजीसी नेट की छठी यूनिट है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं, और उसमें कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि सुपीटर है, डेनियल बेल है, समेल सर है, उत्सा पटनायक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो यूजीसी के नेट एग्जाम में पूछा जाता है। और एक टॉपिक और है हमारा, शर्ट एंड कॉलर का रंग। शर्ट एंड कॉलर का रंग, वैसे इसको बोलते हैं कॉलर, जैसे बोलते हैं ना व्हाइट कॉलर क्राइम, उसी प्रकार से मजदूरों के जो है रंग, वो कोई ब्लू कलर पहनता है, कोई व्हाइट पोश पहनता है, किसी के ग्रे रंग की शर्ट होती है, तो अलग अलग किसी के पिंक कलर की शर्ट होती है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी दो बार अभी तक यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम इन चार थिंकर्स और इन कॉलर्स के कलर के बारे में जानेंगे कि कौन सा कलर है, शर्ट का कलर किस काम के लिए जाना जाता है, और ये जो चार थिंकर हैं इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। पहला है, अगर थोड़ा सा हम एक चर्चा ये कर लेते हैं कि जो इनका जो संबंध है, क्योंकि हमारी यूनिट का नाम क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था एवं समाज। तो अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक तृतीय सेक्टर हो जाता है। प्राथमिक सेक्टर में कृषि और उससे जुड़ी चीजें आ जाती है, मुख्य रूप से जो द्वितीयक क्षेत्र है, सेकेंडरी जो सेक्टर है वो उद्योगों से संबंधित है। तो ज्यादातर क्वेश्चन है वो उद्योगों से संबंधित है वो पूछे जाते हैं। तो एक औद्योगिक समाजशास्त्र, इसके लिए एक अलग से ब्रांच है समाजशास्त्र की। तो इसकी अगर हम बात करें तो जॉर्ज अल्टन मेयो का उल्लेखनीय योगदान रहा है। 1933 में इनकी पुस्तक आई थी, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, भी जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक सभ्यता है उसमें मानव की क्या समस्याएं हैं। और अगर एक तौर पे हम देखें समाजशास्त्र की एक अलग विषय के रूप में, शुरुआत में सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका माना जाएगा, औद्योगिक क्रांति का है। प्रबोधन काल, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, ये तीन ऐसे कारक थे जो समाजशास्त्र के उदय के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो उनमें से औद्योगिक समाजशास्त्र है वो एक मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति अहम योगदान रहा है, औद्योगिक क्रांति का। तो औद्योगिक क्रांति की बात करें तो उसके आधार पर कॉम्प्टन ने, फिर स्पेंसर ने, फिर इमाइल दुर्खिम ने, वेबर ने, मार्क्स ने, इन सब ने चर्चा की है। और जब समाज परिवर्तन की बात की तो कॉम्टे बोलते हैं कि समाज है वो बदल रहा है। इसी प्रकार से स्पेंसर ने भी कहा कि समाज है वो औद्योगिक समाज में बदल रहा है। दुर्खिम ने भी कहा कि समाज है वो सामूहिक समाज में बदल रहा है। वेबर ने कहा कि समाज है वो यांत्रिक समाज में बदल रहा है। मार्क्स ने कहा कि समाज है वो पूंजीवादी समाज में बदल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा योगदान है। तो इनका जो अध्ययन करने वाले थे, जो पर्टिकुलर इन्हीं का अध्ययन किया था, तो अल्टन मेयो था, और दूसरी इनकी पुस्तक है द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एक औद्योगिक समाज और समाज की समस्याएं 1945 में। ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसलिए मेयो को
ज्यादातर विचारक है वो क्या मानते हैं, औद्योगिक समाजशास्त्र के पिता के तौर पर जानते हैं। इसके बाद 1946 में मूर की पुस्तक आई इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द सोशल ऑर्डर। 1955 में जार्ज फ्रीडमान और की है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और उसके बाद भारत की बात करें तो पीजे पटेल की है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इन इंडिया के नाम से है। तो ये कुछ प्रारंभिक थे जिन्होंने औद्योगिक समाजशास्त्र पर पुस्तकें लिखी है। तो उन्हीं में से कुछ थिंकर हैं जिनसे कई बार प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आज हम इन थिंकर्स को ही ले लेते हैं। पहला थिंकर है जोसेफ सुम्पीटर। जोसेफ सुम्पीटर तो इनकी रुचि भी है जैसे कि मार्क्स की रुचि थी पूंजीवादी समाज के अध्ययन में, इसी प्रकार से मैक्स वेबर की भी रुचि रही है, वो पूंजीवादी समाज के अध्ययन में रही है, पूंजीवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, और मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी समाज में किस प्रकार से वर्ग शोषण होता है। तो उसी प्रकार से सुपीटर ने भी पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव एवं विकास पे चर्चा की है। और एक अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की जो कि काफी प्रसिद्ध है और उससे प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं, वो है उद्यमशीलता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता की अवधारणा। तो उद्यमशीलता की अवधारणा क्या है, उद्यम किसे कहते हैं, उद्योग करना, कार्य करना, उद्यम का मतलब उद्योग करना, कोई कार्य करना। तो जो व्यवसायी होता है ना उसके अंदर उद्यम करने की क्षमता होती है या उसमें ये गुण होता है कि वो उद्योग को संचालित करे। तो इसमें किसी व्यवसाय को उद्योग को विकसित करने की उसे सही तरीके से संचालित करने की तीव्र इच्छा होती है तो उसे उद्यमशीलता की अवधारणा कहते हैं। तो ये उद्यमशीलता की अवधारणा है वो सुम्पीटर की है। तो ये काफी प्रसिद्ध इनकी अवधारणा है और इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं इसमें, फिर क्या होता है कि जब कोई उद्योग करता है तो उद्योग लगाएगा तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। करोड़ों की जब फैक्ट्री लगाते हैं अपने छोटा मोटा 2-4 हजार का सामान लेते हैं तब भी अपने को रिस्क लगता है कि ये पता नहीं इसमें जोखिम है चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इसमें रिस्क उठाने की क्षमता होनी चाहिए, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, ये सारे के सारे जो एक उद्योग लगाने, उसे विकसित करने, उसे संचालित करने, उसे व्यवस्थित करने के लिए जो योग्यता व्यक्ति में चाहिए वो सब उद्यमशीलता के अंतर्गत आती है। तो ये सुम्पीटर की अवधारणा है तो अच्छी तरीके से अपने को पता होना चाहिए। एक बार पुनः गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का एक बार पुनः इस क्लास में स्वागत है। तो हम 6ठी यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाद में सुम्पीटर क्या कहते हैं कि कालांतर में यानी इन फ्यूचर पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, वो समाप्त हो जाएगा। अब इसका कारण ये नहीं है कि वो अपनी वजह से होगा या कमजोरियों की वजह से होगा। तो इनका मानना है कि पूंजीवाद कमजोर होने से समाप्त नहीं होगा बल्कि बहुत ज्यादा सफल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सफल हो जाएगा। देखो इस संसार का रूल है कि जो उठेगा वो गिरेगा, श्योर गिरेगा, जो जन्मेगा वो मरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हर राजा कभी उठे और गिरे ये सब रहा है। तो इसी प्रकार से सुम्पीटर भी कहते हैं कि एक ना एक दिन पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा पूंजीवाद आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्वामी विवेकानंद जी को कहते हैं कि उनकी मृत्यु मात्र 39 साल में हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत आ गई थी। तो इसी प्रकार से ये कहते हैं कि अत्यधिक सफलता के कारण पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, निजी जो उद्यमी है उनका स्थान गौण हो जाएगा
और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और विशाल नौकरशाही है उनकी स्थापना होगी। आजकल आते हैं ना निगम, कॉरपोरेट्स, तो आजकल निजी उद्योग किसी का बचा ही नहीं है। आजकल की डेट में देखें, अगर आप शेयर मार्केट को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो धीरे धीरे निजी जो स्वामित्व था वो समाप्त होता जा रहा है, उसके स्थान पे बहुत सारे शेयरधारकों के कंपनी आज है। आज अगर शेयर मार्केट में आपने आईपीओ का नाम सुना होगा, या कुछ कहते हैं कि उसके इतने शेयर उसने खरीद रखे हैं, एलआईसी का हो गया, कुछ भी हो गया, तो धीरे धीरे वो क्या है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनते जा रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का उस पे अधिकार है वो नहीं रहता है, और इसके लिए विशाल नौकरशाही की आवश्यकता होती है। तो ये सुपिटर का मानना है। इनकी दो पुस्तकें और है जो कि पूछी जा सकती है। जो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो ये है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1912 के अंदर, आर्थिक विकास के सिद्धांत, और दूसरी है बिजनेस साइकल्स, किस प्रकार से बिजनेस है वो एक सर्किल के अंदर है वो चलता रहता है। तो ये इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक तो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कई बार पूछी जा चुकी है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1912 में, इसी में ये अपना सिद्धांत है वो प्रस्तुत करते हैं। दूसरे थिंकर है डेनियल बेल। जब हम उद्योग के बाद में एक क्या कि संसार को दो तीन भागों में बांट सकते हैं, एक प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आजकल जो चल रही है उसको बोलते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इससे मुख्य जो नाम जुड़ा हुआ है औद्योगिक समाजशास्त्र से, वो जुड़ा हुआ है डेनियल बेल का, और ये मॉडर्नाइजेशन के लिए काफी जाने जाते हैं। इनकी पुस्तक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973 के अंदर, जिसमें ये पहली बार विस्तार से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले 1971 के अंदर अलेन टोरेन ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कही थी, लेकिन डिटेल से जो कही थी वो डेनियल बेल के द्वारा की गई है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973 के अंदर। इनकी पुस्तक और है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो अब ये कहते हैं कि केवल और केवल पूंजीवाद बचा है, साम्यवाद खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी इन्होंने कही है, और साथ में इन्होंने कहा है कि औद्योगिक पूंजीवादी समाजों में, वर्ग आधारित विचारधारा और संघर्ष है वो समाप्त हो जाएंगे। तो प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि कौन है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करता है, डिटेल में जाता है और इससे जुड़ी हुई भविष्यवाणियां करता है, और कहते हैं कि धीरे धीरे वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, वर्ग संघर्ष की कोई बात ही नहीं करेगा, और मार्क्स कहते हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता। तो ये डेनियल बेल है, तो इन्होंने ये बात कही है, और इन्होंने अर्थव्यवस्था को तीन भागों में या तीन चरणों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? तीन भागों में या तीन चरण बताए इन्होंने। पहला है पूर्व औद्योगिक, दूसरा औद्योगिक, और तीसरा उत्तर औद्योगिक, प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल। ये तीन चरण इन्होंने बताए हैं औद्योगीकरण के। तो इन्होंने पुस्तक जो कि हिंदी में इसका नाम है उत्तर औद्योगिक समाजों के आगमन, उत्तर औद्योगिक समाजों के आगमन यानी द कमिंग ऑफ ए पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसमें ये
कहते हैं कि उद्योगवाद का स्थान है वो उत्तर उद्योगवाद ले लेंगे, और उत्तर औद्योगिक समाज एक ऐसा समाज है जिसमें ज्ञान का महत्व धन संपदा से बढ़ जाता है, और यही सत्ता शक्ति और सामाजिक गतिशीलता का मुख्य सोर्स बन जाता है, स्रोत बन जाता है। क्या कह रहे हैं कि उत्तर औद्योगिक समाज किस प्रकार का होगा? उत्तर औद्योगिक समाज है वो एक ऐसा समाज होगा जिसमें ज्ञान का महत्व धन संपदा से बढ़ जाएगा, और ज्ञान है वो सत्ता शक्ति और सामाजिक गतिशीलता का मुख्य सोर्स बन जाएगा। ऐसे समाजों में उत्पादन आधार सूचना और ज्ञान आधारित हो जाएगा। उत्पादन क्या हो जाएगा? सूचना और ज्ञान, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस्ड हो जाएगा। और इनकी एक पुस्तक और है, द कल्चरल कंट्रीडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के सांस्कृतिक विरोधाभास। तो ये इनकी पुस्तक है, तो दो तीन पुस्तकें हैं, कई बार पुस्तकों से भी तीन चार एक क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो उत्तर औद्योगिक समाज शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग डेनियल के द्वारा किया गया था, और इस पर सर्वप्रथम पुस्तक है वो अलेन टोरेन के द्वारा 1971 में लिखी गई थी। और एक और है, पोस्ट कैपिटलिज्म सोसाइटी, उत्तर पूंजीवादी समाज, दोनों में अंतर है। उत्तर औद्योगिक समाज और उत्तर पूंजीवादी समाज, इन दोनों में अंतर है। तो पोस्ट कैपिटलिज्म सोसाइटी की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? वो है पीटर ड्रेकर के द्वारा। किसके द्वारा? पीटर ड्रेकर के द्वारा ये अवधारणा दी गई थी 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। तो थोड़ा सा यहां पे अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, तो इसको अपने को देखना है। तो ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, पोस्ट कैपिटलिज्म सोसाइटी। तो ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें, पीटर ड्रेकन, क्योंकि ये थोड़ी नई अवधारणा है, तो इसके बारे में बहुत कम किताबों में या बहुत कम कंटेंट आपको मिलेगा। एक और है नील जोसेफ समेल सर, नील जोसेफ समेल सर, ये भी एक अमेरिकी समाजशास्त्र है। ज्यादातर है जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं वो अमेरिकन समाजशास्त्री होते हैं। तो इन्होंने आर्थिक समाजशास्त्र की, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी की नींव रखी थी। तो लैंड ऑफ फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, और इनकी पुस्तक है द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी कई बार कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो समेल सर ने आर्थिक समाजशास्त्र के क्षेत्र को आर्थिक घटनाओं पर आधारित या लागू समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के रूप में परिभाषित किया है, और ये आर्थिक समाजशास्त्र की तुलना मुख्य धारा के समाजशास्त्र से करते हैं। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र है वो आर्थिक समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है वो आर्थिक समाजशास्त्र है। तो ये इनका आर्थिक समाजशास्त्र का सिद्धांत, और ये जो पुस्तक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनकी पुस्तक और एक और है, कंपेट रेटिव मेथड्स इन सोशल साइंसेस, सामाजिक विज्ञानों में तुलनात्मक
पद्धति, तो इसमें उन्होंने तुलनात्मक पद्धति के आधार पर अध्ययन है वो किए हैं। 1976 में ये इनकी पुस्तक है। तो ये पुस्तकों के नाम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों के नाम पता होगा ना, और उसका अगर थोड़ा सा अपने को पता होगा तो कई बार हम गलत होते या तुक्के से सही करने की कोशिश करेंगे तो उसका आंसर सही जाएगा। लेकिन अगर पढ़े को कुछ भी नहीं पता होगा तब हम तुक्का लगाएंगे तो वो सही नहीं जाएगा। तो इसलिए पुस्तकें और उनका थोड़ा सा कि इस पुस्तक में क्या है, ये पुस्तक किन की है और किसके बारे में थिंकर्स है वो चर्चा करते हैं। तो ये है समेल सर का एक सिद्धांत और है जिसको आपने सामाजिक आंदोलन के बारे में भी पढ़ा है, ये भी इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सामूहिक व्यवहार का सिद्धांत, द थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। द थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, तो इसको मूल्य संवर्धित सिद्धांत, वैल्यूएटेड थियरी या तनाव सिद्धांत भी कहते हैं। तो पढ़ा होगा ना आपने, जब हमने सामाजिक आंदोलन वाला टॉपिक पढ़ा, सोशल मूवमेंट वाला, तो उसके कई सिद्धांत थे। एक सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत था और एक तनाव का सिद्धांत था। तो वो तनाव का सिद्धांत या थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर है वो, ये किनकी देन है, ये समेल सर की देन है। तो इसके कुल 6 तत्व इन्होंने बताए हैं तनाव सिद्धांत के, और पहला है संरचनात्मक अनुकूलता। संरचनात्मक अनुकूलता, तो सामूहिक व्यवहार कलेक्टिव बिहेवियर उभरने के 6 तत्व आवश्यक है। एक संरचनात्मक अनुकूलता, पहली बात है ये कि जब समाज के जो स्ट्रक्चर है वो अनुकूल होगी तभी सामूहिक व्यवहार संभव होगा। अगर समाज के अंदर अत्यधिक असंरचना है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पे सामूहिक व्यवहार है वो संभव नहीं है। और दूसरा इन्होंने कहा संरचनात्मक तनाव, तो ये कहते हैं कि जैसे कि इमाइल दुर्खिम कहते हैं, इमाइल दुर्खिम क्या कहते हैं कि समाज के अंदर सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं, सामूहिकता होती है, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि तत्व वो 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी तथ्य, एक सामान्य तथ्य और एक विघटनकारी तथ्य। तो कहते हैं कि सामूहिकता होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो समाज को कमजोर करती है। तो इसी प्रकार से समेल सर भी कहते हैं कि कुछ असमानता होती है, अन्याय होती है, वो समाज पर दबाव डालती है, और ये जितना अधिक संरचनात्मक तनाव होगा सामाजिक आंदोलन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत भी साथ साथ में समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन लोग मूवमेंट क्यों करेंगे, आंदोलन कब करते हैं जब परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, अनुकूल होती है वो कभी आंदोलन नहीं करता है। जैसे कि बताया था मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, कहा था कि नौकरशाही के कारण जो पुन शोषक वर्ग है, जो शासन कर रहा है, वो व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, और जो श्रमिक व्यवस्था है वो उसको बदलना चाहता है। इसी प्रकार से किंग्सले डेविस भी करते हैं, और डेविस और मूर ने जो प्रकार्यवाद दिया था, यही कहा था ना कि प्रकार्यवाद में जो जिनके पास सत्ता है वो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, और जिनके पास सत्ता नहीं है वो उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो यही समेल सर कह रहे हैं कि जितना अधिक संरचनात्मक तनाव होगा आंदोलन की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। अब 8% के एग्जाम्पल पे मैं पॉलिटिक्स एग्जाम्पल दूं कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी सत्ता जाए, वो चाहेगी कि सत्ता बनी रहे, लेकिन कांग्रेस आंदोलन करेगी कि उसकी सत्ता को बदला जाए।
तो जितना अधिक संरचनात्मक तनाव होगा आंदोलन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तीसरा, इन्होंने बताया कि सामान्यकृत विश्वास कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच में कुछ सामान्य विश्वास होना चाहिए। अवक्षेपण कारक, तो कारक कुछ ऐसे होने चाहिए उत्प्रेरक वाले, चिंगारी उत्पन्न करने वाले, जिससे आंदोलन भड़क जाए। क्या होता है जब आंदोलन होता है ना, तो लोगों के अंदर गुस्सा तो बहुत लंबे समय से होता है, बहुत लंबे समय से लोग नाराज होते हैं, लेकिन उस नाराजगी को आंदोलन में बदलने के लिए कुछ तत्कालीन कारण होते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितनी भी क्रांतियां हुई है, एक दिन में नहीं हुई है, उसके पीछे लंबा कारण रहे हैं, बहुत सारे कारण रहे हैं, और कुछ है वो तत्कालीन कारक भी रहे हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो आग में घी डालने का काम करती है, यानी चिंगारी वाला काम करती है। पांचवा है कार्रवाई के लिए लामबंदी, मोबिलाइजेशन, लोगों का संगठित होना जरूरी है आंदोलन के लिए। और सामाजिक नियंत्रण की विफलता, और जो शासन व्यवस्था होती है वो उस को दबाने में, उसको कंट्रोल करने में, सोशल कंट्रोल करने में फेलियर फेल साबित होती है। तो ये छह कारक इन्होंने बताए हैं। छह कारक आप अपनी पुस्तक में नोट कर लीजिए, कलेक्टिव बिहेवियर क्यों उत्पन्न होता है वो। उत्साह पटनायक, चौथी हमारी थिंकर आज की, उत्साह पटनायक। तो उत्साह पटनायक से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और इन फ्यूचर हो सकता है और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। तो ये भारतीय अर्थशास्त्री है उत्साह पटनायक, जेएनयू में प्रोफेसर रही है, अभी ये सेवानिवृत्त हो गई है, और ये भारत के अंदर कृषि संबंधों को लेकर, पूंजीवादी विकास को लेकर, मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करने को लेकर चर्चा में रही है। तो ये इन्होंने मुख्य रूप से जो औपनिवेशिक भारत था और औपनिवेशिक बाद में, यानी आजादी के बाद और आजादी से पहले, जो दोनों आर्थिक व्यवस्था रही है, इन दोनों के बीच में इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। तो ये कृषि संबंधों और पूंजीवादी विकास के लिए महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया है। तो इन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान, उपनिवेश दौरान के कारण भारत से जो धन निकासी की गई थी, सर्वप्रथम भारत से धन निकासी पे चर्चा किसने की थी? दादा भाई नेहरोजी ने की थी। नेहरोजी ने की थी कि अंग्रेजों का उद्देश्य है वो भारत में शासन करना नहीं है, कि भारत से कच्चा माल वो ले जाते हैं और पक्का माल लेते हैं, और इसमें आधार पर वो अत्यधिक आर्थिक शोषण करते हैं, और भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी उसको एक गुलाम देश बना दिया है, या गरीब देश इन्होंने बना दिया। तो उसकी चर्चा उत्साह पटनायक भी करती है। और 1960 के दशक में, 1960 के दशक में भारतीय कृषि में, इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर जो पूंजीवादी विकास हुआ है उस पे ये मुख्य रूप से लिखती है। तो 1960 के दशक के प्रारंभ से जो, जैसे औद्योगिक क्रांति, सॉरी हरित क्रांति का दौर था, तो तब से कृषि क्षेत्र में पूंजीवादी विकास आने के प्रारंभ हो गया था। पूंजीवादी विकास किस पर आधारित है? अतिरिक्त आय पर आधारित है। किस पर आधारित है? अतिरिक्त आय पर, सरप्लस वैल्यू पर। तो 1960 के दशक के प्रारंभ से ही पूंजीवादी विकास पर उत्साह पटनायक ने लिखा है, और इनकी पुस्तक है कैपिटलिज्म डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, ए नोट 1971, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने भारत के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर जो पूंजीवादी विकास हुआ है उस पे चर्चा की है। 1971 में ये इनकी पुस्तक है।
इनके अलावा भी इन्होंने कई पुस्तकें लिखी है, जैसे कि पिजेंट क्लास, डिफरेंटिनेशन, ए स्टडी ऑफ मेथड, द लॉन्ग ट्रांजिशन, द लॉन्ग ट्रांजिशन, द रिपब्लिक ऑफ हंगर एंड अदर एसेज। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, चार पुस्तकें हैं, और कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है, कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है, एडिट किया है इन्होंने कई पुस्तकों को, जिनमें हिंदी में नाम है दास्तां की जंजीरें, भारत में बंधन और गुलामी, चेन ऑफ सर्विट्यूड, बोगेड एंड सर्वरी इन इंडिया, दास्तां की जंजीरें, भारत में बंधन और गुलामी, जिसमें ये उपनिवेश काल की बात करते हैं। इसी प्रकार से इनकी दूसरी पुस्तक है जिन्होंने इनको एडिट किया है, कृषि संबंध एवं संचय, भारत में उत्पादन के तरीकों पर बहस, भारत में उत्पादन के तरीकों पर बहस, द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट इन इंडिया, कि भारत में उत्पादन का तरीका क्या होना चाहिए, पूंजीवादी होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला होना चाहिए। इनकी पुस्तक और एक इतिहास का निर्माण, ये एडिट है, इसमें इन्होंने इरफान खान के जो निबंध है उनको लेकर ये पुस्तक लिखी है, द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री। एक पुस्तक इनकी और है, द एग्रियन क्वेश्चन इन मार्क्स एंड हिज सक्सेस। तो ये दो खंडों में पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें इन्होंने 1905 से लेकर 1949 के बीच में जो राजनीतिक और विश्व की आर्थिक परिस्थितियां रही है, दो विश्व युद्ध इस दौरान हुए थे, इससे राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव आया था, तो उस पर इन्होंने चर्चा की है। शाही पूंजीवाद का सिद्धांत, द थियरी ऑफ इंपेरियल कैपिटलिज्म। तो ये पुस्तक इनकी उत्सा पटनाई की है, शाही पूंजीवाद, जिसमें वो कहते हैं कि कहती है कि साम्राज्यवाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक पूंजीवाद की गतिशीलता है साम्राज्यवाद। तो जो पूंजीवाद है और जो साम्राज्यवाद है, इनके बीच के आपसी संबंधों को इन्होंने बताया है। एक पुस्तक इन्होंने और संपादित की है, कृषि का जबरन व्यवसायीकरण, कृषि का जबरन व्यवसायीकरण, बिजनेस मॉडल जबरदस्ती। तो इसमें चर्चा करती है कि भारत के अंदर कृषि थी वो किस प्रकार की कृषि थी, भारत के अंदर जो कृषि थी वो जीवन निर्वाह कृषि थी, क्या थी, जीवन निर्वाह कृषि थी, कृषि का व्यवसायीकरण नहीं हुआ था, कृषि का व्यवसायीकरण जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा भारत में किया गया था। व्यवसायीकरण में क्या होता है कि अतिरिक्त जो उपज होती है, सरप्लस जो प्रोडक्शन होता है उसको बेचा जाता है, और जीवन निर्वाह में केवल अपने निर्वाह के लिए उत्पादन किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि भारत के अंदर अत्यधिक लगान लगाकर, राजस्व लगाकर उत्पादन बेचने के लिए मजबूर किया गया। तो ये जो बात कर रहे थे ना कि दो दृष्टिकोण है इनके, इनके दो दृष्टिकोण है किसको लेकर, पूंजीवाद को लेकर, कि भारत के अंदर किस प्रकार से प्रोडक्शन है वो होना चाहिए, भारत में उत्पादन के तरीकों पर बहस, द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट इन इंडिया। तो इसमें ये दो दृष्टिकोण बताते हैं, कितने दो दृष्टिकोण बताते हैं, दो दृष्टिकोण बताते हैं भारत में विकास के, डेवलपमेंट के। एक पहला है कि उत्पादन के पूंजीवादी संबंधों के विकास में औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद के बीच की अवधि को एक निरंतरता के तौर पे देखना। ये कहते हैं कि भारत में जो पूंजीवाद विकास हुआ है, ये जो पूंजीवादी विकास है वो कोई नया नहीं है, ये जो औपनिवेशिक शासन है उसी को भारत ने कंटिन्यू किया है, इसी को कंटिन्यू किया है, केवल गति चेंज हुई है, केवल संक्रमण की गति में अंतर आया है, बाकी प्रक्रिया वही है कि पहले उपनिवेश से और उसी को भारत ने आगे बढ़ाया है।
दूसरा दृष्टिकोण आया है कि औपनिवेशिक काल यानी आजादी से पहले और उत्तर औपनिवेशिक काल में जो उत्पादन है या पूंजीवादी संबंध है उनमें विच्छेद है, संबंध विच्छेद है, गुणात्मक विच्छेद है, यानी उनमें बहुत ज्यादा अंतर है। भारत ने बाद में अलग तरीके से भारत का आर्थिक विकास किया है और इस दूसरे दृष्टिकोण को उत्सा पटनायक है वो अपना समर्थन देती है। और इनकी एक पुस्तक और है पिजेंट क्लास, चलो इनकी चर्चा कर चुके हैं, डिफरेंशियल स्टडी इन मेथड, तो इसमें इन्होंने भारतीय कृषक वर्गों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। भारतीय कृषक संरचना को इन्होंने दो भागों में बांटा है, तो ये एग्रीकल्चर वाले में भी आ जाता है, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग कौन है और शोषित वर्ग कौन है, और ये सबसे पहले किसने दिया था? मार्क्स ने दिया था। इसीलिए उत्सा पटनायक को भारतीय कृषि का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाली विचारक के तौर पे जाना जाता है, इसका कारण यही है। तो शोषक वर्ग को इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक जमींदार वर्ग और एक अमीर किसान वर्ग, जमींदार और किसान वर्ग, अमीर किसान। जमींदार का होता है लैंड लॉर्ड, जमींदार थे जो मुख्य रूप से बंगाल में जमींदारी प्रथा थी, और इसको भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया, इसमें पूंजीवादी आ गए और सामंती आ गए। और जो अमीर किसान है रिच पीजेंट है उसमें भी इन्होंने दो बताया, प्रोटो बुर्जुआ और प्रोटो सामंती, प्रोटो बुर्जुआ और प्रोटो सामंती। तो शोषक वर्ग में इन्होंने दो को लिए और दोनों की दो दो कैटेगरी बताई है, जमींदार और अमीर किसान। और दूसरा वर्ग इन्होंने बताया शोषित वर्ग, तो शोषित वर्ग में इन्होंने मुख्य रूप से तीन तीन वर्ग बताए हैं, एक गरीब किसान को इन्होंने मुख्य रूप से रखा है गरीब किसान के अंदर, एक तो जो खेतिहर मजदूर है वो, और एक छोटे किराएदार या जो बंटाईदारी पे खेती करते हैं वो, जिनके पास छोट जमीन है और वो खुद अपने खेत के साथ दूसरे खेतों पे मजदूरी भी करते हैं, और दूसरे छोटे किराएदार या बंटाईदार। और तीसरा इन्होंने बताया फुल टाइम मजदूर, जिनके पास अपनी खेती करने के लिए कुछ भी नहीं है वो दूसरों के खेतों में ही खेती करते हैं। तो ये दो वर्ग इन्होंने बताए, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। और इसीलिए भारत में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की जब बात आती है तब उत्सा पटनायक का जिक्र जरूर आता है। अब आगे आता है ट्रेस, कॉलर के रंग के आधार पर वर्कर्स की पहचान या जॉब की पहचान है वो कैसे होती है। तो व्हाइट कॉर्नर्स वर्कर, ये कॉलर या कॉर्न कॉलर है, सॉरी व्हाइट कॉलर वर्कर, स्पेदपोश श्रमिक, तो इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1930 के दशक में अमेरिकी लेखक अल्टन सिंक्लेयर के द्वारा किया गया था, अल्टन सिंक्लेयर के द्वारा किया गया था। तो स्पेदपोश कर्मचारी जो प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्यों को देखते हैं जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती, जो ऑफिस में बैठकर मैनेजमेंट का काम देखते हैं मुख्य रूप से, उनके लिए व्हाइट कॉर्नर कॉलर्स वर्कर्स का प्रयोग है वो अल्टन सिंक्लेयर्स के द्वारा किया गया था। आमतौर पे वो व्हाइट शर्ट पहनते हैं। दूसरा है ब्लू कॉलर, तो
ब्लू कॉलर है वो 1924 में पहली बार श्रमिक वर्ग के लिए प्रयोग में किया गया। श्रमिक वर्ग मुख्य रूप से किसमें, ये जो है ना ड्रेस कोड, ये मुख्य रूप से जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्रीज होती है और उनके ऑफिस होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये विनिर्माण क्षेत्र के औद्योगिक मजदूरों के लिए जो प्रतिदिन मजदूरी पे रखते हैं, मंथली नहीं रहते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं, उनके लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया गया। तो दोनों में अंतर है, व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर। नीला कुर्ता हिंदी में कुछ भी लिखा जा सकता है, हिंदी में नीला कुर्ता लिखा जा सकता है, नीला कुछ और भी आ सकता है। कोई आप तो ये अंग्रेजी शब्दावली है वो देख लीजिए। गुलाबी कॉलर, पिंक कॉलर। पिंक कॉलर देखो, जब पिंक की बात आती है ना, गुलाबी की बात आती है, तो महिलाओं के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसको लेकर भी विरोध होता है। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इलेक्शन में क्या होता है, जहां शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें पिछली बार जब विधानसभा इलेक्शन हुए थे, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो वहां पे पिंक बूथ बनाए गए थे। पिंक बूथ केवल महिलाओं के लिए बूथ, किसमें मतदान करने के लिए महिलाएं हैं वो ही मतदान करवाएगी, सारे के सारे जो वोटर्स से वोट करवाएगी वो सारी की सारी महिला कर्मचारी होगी। तो उस पे विवाद हो गया कि ये तो हमारी पहचान को खराब किया जा रहा है। महिलाओं ने उस पे आपत्ति की, तो अब की बार उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, पिंक बूथ नहीं किया गया, वुमन बूथ किया गया, वुमन बूथ महिला बूथ कर दिया गया। तो पहले तो जो पिंक कॉलर की बात थी वो महिलाओं के लिए काम की थी, लेकिन आजकल सेवा क्षेत्र में, वो दोनों क्षेत्र किससे जुड़े हुए थे, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े हुए थे और ये सेवा सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए, कम सैलरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वेटर है या फिर सेल्स पर्सन है या रिसेप्शनिस्ट है, यानी आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहां रिसेप्शन पे जो काम करता है, तो इनकी सैलरी होती है वो कम होती है। तो इनके लिए गुलाबी कॉलर, पिंक कॉलर शब्दावली का प्रयोग है वो किया जाता है। आगे है लाल कॉलर। लाल कॉलर जो सरकारी बजट बनाते हैं या बजट बनाने वाले उद्योगों के लिए इस शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है, इस कलर का प्रयोग है वो किया जाता है। सरकारी बजट बनाने वाले उद्योगों में काम करने वाले, आपको पता होगा जब बजट जारी किया जाता है तो बजट है वो लाल कपड़े में बांधा जाता है, बही जो खाता होता है वो लाल कपड़े में बांधा जाता है, तो उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका शुरुआत है वो कम्युनिस्ट देशों में होती, साम्यवादी जो देश है चीन है रशिया है, तो इनमें सारे के सारे कर्मचारी सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसलिए रेड कलर इनके लिए भी मुख्य रूप से प्रयोग है वो किया जाता है। इनका झंडा होता है वो भी रेड ही होता है। नारंगी या ऑरेंज कॉलर, नारंगी या ऑरेंज कॉलर, तो ये जो जेल मजदूर होते हैं, जेलों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए शब्दावली का प्रयोग है वो किया गया है। जेलों में काम करने वाले के लिए क्या शब्दावली का प्रयोग किया गया है, नारंगी, ऑरेंज कॉलर, ग्रीन कॉलर। तो ग्रीन कॉलर दो लोगों के लिए काम किया जाता है, एक तो जो पर्यावरण कार्यकर्ता होते हैं, जो इन्वायरमेंट की एजेंसियां हैं उनमें जो काम करते हैं, तो वो पर्यावरण जागरूकता के लिए ग्रीन कॉलर का करते हैं। साथ में जो सैन्य कर्मी होते हैं और जो मुख्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनके लिए भी ग्रीन कॉलर का वो प्रयोग किया जाता है। ब्लैक कॉलर, काला कुर्ता, तो जो मैनुअल मजदूर होते हैं, जो हाथों से जो काम करते हैं,
उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से जो निम्न स्तरीय गंदे कार्य जिनकी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हाथ से मेला ढोना, तो उनके लिए काल ब्लैक कॉलर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। साथ में जो ऑयल या पेट्रो या खनन कंपनियां हैं उनमें कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी ब्लैक कॉलर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। खनन कंपनियां यानी कि जो कोयले की खान में काम करते हैं, वहां पे व्हाइट कॉलर काम नहीं देगा, वहां पे ब्लैक कॉलर ही काम देगा। इसी प्रकार से जो ऑयल पेट्रो है, केमिकल्स का काम करते हैं, उनके लिए भी क्या करते हैं, ब्लैक कॉलर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो ये कार्य मुख्य रूप से हाथों से हुआ है, और कई बार जो निम्न स्तरीय और भी काम होते हैं जैसे है, उनके लिए भी ब्लैक कॉलर शब्दावली का प्रयोग है वो किया जाता है। ग्रे कॉलर, ग्रे कॉलर, तो वो जो ना तो ब्लू कॉलर में होते हैं ना ही व्हाइट कॉलर में, ना तो ये मैनेजमेंट देखते हैं और ना ही ये मजदूरी करते हैं। तो फैक्ट्रियों के अंदर कुछ टेक्निकल जो तकनीकी जो कार्य करते हैं, तकनीकी जो कार्य करते हैं उनके लिए ग्रे कॉलर शब्दावली का प्रयोग है वो किया जाता है। ग्रे कॉलर श्रमिक, मजदूर, वर्कर। और बाद में सेवानिवृत्त जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी इसका यूज है वो होने लगा है, लेकिन मुख्य रूप से जो तकनीकी कार्य करते हैं उनके लिए है। गोल्ड कॉलर, गोल्डन कॉलर, तो ये जो उच्च वर्ग के पेशेवर श्रमिक पेशेवर होते हैं, जिसमें वकील है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, इनके लिए गोल्ड कॉलर, महंगे जो कार्य है उनके लिए गोल्ड कॉलर शब्दावली का प्रयोग है वो किया जाता है। ओपन कॉलर, ओपन कॉलर, तो ओपन कॉलर है जो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम इंप्लॉयज है, जो इंटरनेट के माध्यम से, यानी इनकी कोई कॉलर नहीं होती है, कच्छे और बनियान के अंदर घर से ही काम करते हैं, मुख्य रूप से बनियान में रहते हैं, तो इनके लिए ओपन कॉलर सब, यानी कोई बंदिश नहीं है इनके लिए, कैसे भी ये काम कर सकते हैं। एक और है स्कार लेट कॉलर, स्कार लेट कॉलर, तो ये जो मुख्य रूप से जो फॉरेन इंडस्ट्रीज है इनमें काम करने वाले जो महिला और पुरुष जो सेक्स वर्कर है उनके लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, स्कार लेट कॉलर। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कॉलर वाला, हो सकता है इन फ्यूचर भी पूछ लिया जाए। तो ये आज की हमारी क्लास थी, आपकी कोई क्यूरीज है तो आप देख सकते हैं। क्लास डेली चलेगी, कोशिश है कि क्लास डेली चले, छठी यूनिट है वो इस वीक में या इस वीक से पहले पहले शुक्रवार तक है वो कंप्लीट होने के, जो, जो जैसे ये चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी नहीं करवाई गई है, बाकी तो मैं करवा चुका हूँ, कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं करवाई है, तो ये क्लासें होगी, कोशिश रहेगी जिस दिन नहीं होगी मैं पहले से इंफॉर्मेशन कर दूंगा कि आज क्लास है वो नहीं हो पाएगी, तो ये है। और शुक्रवार या शनिवार को हम इस छठी यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको हल करेंगे, तो जितना पॉसिबल होगा उतने दिनों में हम अधिकतम करने का प्रयास है वो करेंगे। चलो शुभ रात्रि।